सभी संगीत प्रेमी और कलाकारों का संगीत मेंटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का एक नया गाना जिसे गाया था उदित नारायण ने, और इसके जो लिरिक्स लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे थे और संगीत है आनंद मिलिंद का। दोस्तों, ये गाना जो है ए फ्लैट माइनर में, मतलब ए फ्लैट माइनर में ये गाना ओरिजिनली है और आसावरी थाट में है। इसका जो रिदम का काउंटिंग है 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से है कुछ, तो ये ए फ्लैट को हम लोग सा मान गए। यहाँ से आसावरी थाट आपको प्ले करना है, सा रे कोमल ग म प कोमल ध कोमल नी सा, ठीक है। तो ये आसावरी थाट के नोट्स को एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग था आसावरी थाट का, और ये कॉर्ड है, ये है ए फ्लैट माइनर। तो दोस्तों, मैं आपको एक स्टैंडर्ड नोटेशन दूंगा इसमें, जिसके बेस पे आप ए फ्लैट माइनर से ओरिजिनली बजा सकते हो, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोग हैं जो काली एक से प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी सुविधा के लिए और ये गाने के स्टडी के लिए मैं ये गाने को काली एक से ही बना रहा हूँ, यानी कि सी शार्प माइनर में। तो सी शार्प माइनर है ना काली एक से, काली एक से आप सबसे पहले आसावरी थाट का प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको सॉन्ग एक बार प्ले करके सुना दूं, उसके बाद एक एक लाइन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक ट्यून है, आइए एक एक लाइन सीखते हैं। ए मेरे सेम ट्यून हम सफर, एक लाइन सीखते हैं। ए मेरे सेम ट्यून हम सफर, एक जरा इंतजार, एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है, सुन सदाए दे रही प्यारी। तो दोस्तों, ये था मुखड़ा, एक बार वापस देख लीजिए। आइए सीखते हैं अंतरा। दो पल का महिमा, कैसे ना जाएगा अंधेरा, सेम है। क्यों ना, कैसे ना जाएगा अंधेरा, सेम है। क्यों ना थमेगा तूफान,
ना थमेगा तूफान। शुद्ध ग से प्ले करना है ये, इसे एक्सीडेंटल नोट कहेंगे हम। शुद्ध ग से प्ले करना है ये, इसे एक्सीडेंटल नोट कहेंगे हम। मंजिल प्यार की। मंजिल प्यार की। तो दोस्तों इस तरह से गाना कंप्लीट होता है एक एक लाइन में। तो आप धीरे धीरे एक एक लाइन देखकर इसे सीखिए। नोटेशन मैंने दिया है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसकी। मैं ये गाने को एक बार आपके लिए प्ले करता हूँ। अब यहां से गाएंगे शुद्ध ग से। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्ले करना है। सबसे पहले थाट आसावरी का प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जिस भी स्केल से बजाना चाहते हैं, या तो काली चार से बजाइए आप इसे सामान कर, या काली एक से बजाइए, ठीक है। काली एक से मतलब सी शार्प से। तो दोस्तों आज के लेसन में इतना ही। अगले लेसन में फिर मिलूंगा आपको एक नए गाने के साथ। थैंक यू सो मच।